तो हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मॉन्स्टर पोटैटो कैनर, जिसके लिए हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत है जो कि नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा। और जिसके लिए हमने एक छोटा सा पाइप लिया है 6 इंच का, और यहाँ पे हमने लिया है एक 4 इंच का पाइप। और इसके और इसको कवर करने के लिए इसको हमने एक यूज़ किया है, ढक्कन का यूज़ किया है। और इसमें हमने ऑटोमेटिक पहले से लगा कर रखा हुआ है, एक लाइटर को फिक्स करके अच्छे तरीके से हमने रख रखा है। सो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाते हैं, और बना करके फिर इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि ये क्या काम करता है या नहीं करता है, राइट। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पोटैटो कैनन रेडी हो गया है, और ये मतलब काफ़ी भारी भी हो चुका है, लेकिन यार मतलब बहुत ही शानदार दिख रहा है यार। सो फिर चलते हैं इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ओके। सो गाइज, हमारा जो कैनन है, पोटैटो कैनन है, एक मॉन्स्टर पोटैटो कैनन तैयार हो चुका है, और बस बारी है इसका टेस्टिंग करने के लिए। और बहुत ही खतरनाक तरीके से ये दिख रहा है यार। सो चलते हैं, पहले हमने एक सेटअप भी बनाया हुआ है यहाँ पे, और इसकी वजह से हम इसको लॉन्च भी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कैसे ये करेंगे, पहले तो ये नॉर्मली तो ब्लास्ट तो करेगा नहीं, इसमें हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज, इसमें ब्लास्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अभी कैल्शियम कार्बेट पड़ा हुआ है और पानी। जब हम कैल्शियम कार्बेट और पानी को मिक्स करा करके उसमें जब थोड़ा सी आग लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से ब्लास्टिंग होती है।
तो सर चलते हैं इस पर, पहले इस पर ट्राई करते हैं कि कैसे किस तरीके से वॉइस आ रही है, क्या ये हमारा ये मॉन्स्टर जो बनाया हुआ है हमने काम करता है या नहीं। तो चलते हैं पहले, हमें बस थोड़े से ही कैल्शियम कार्बाइड की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे हम इसमें इसको क्या करते हैं, पहले तो इसमें मिक्स करते हैं। तो पहले हम इसमें इसको डालते हैं अब, और उसके बाद बस थोड़ा सा पानी और बस हमें इसको अच्छे से शेक करने की ज़रूरत है, और फिर इसको थोड़े से अच्छे से मिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। और बस ये हमारा तैयार हो चुका है, और हम इसको अपने लॉन्चर में लगाएंगे। टाइट हो चुका है, बट इसमें आगे वाले पहले इसका बहुत जो साउंड होता है बहुत तेज़ी से होता है, तो इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा अपने लिए एक सेफ्टी पैनल ले लेते हैं। तो जस्ट एवी रेट ओके। सो हमारे पास एक छोटी सी लकड़ी है, और आई थिंक अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, इसमें गैस काफ़ी सारे भर चुके होंगे, सो बस एक छोटी सी लकड़ी की ज़रूरत होती है, और देखते हैं फिर क्या होता है, कर लेते हैं और तो स्टार्ट करें। So guys, इसका ये मतलब एक बड़ी ख़तरनाक तरीके से यार आज मतलब पूरा ही इसका तह मतलब इसका इसकी हालत ही ख़राब हो चुकी है यार। मतलब ये अच्छे तरीके से आई थिंक टाइट नहीं था, इसकी वजह से शायद ये बाहर की ओर निकल गया। तो कोई नहीं यार, लेकिन मज़ा आ गया यार, मतलब एक इतना तेज साउंड था मतलब बता नहीं सकते यार, आई थिंक वीडियो में आपको शायद सुनने को मिला हो, लेकिन यार मज़ा आ गया यार।